ने 2016 के ढाका कैफे हमले में 7 आतंकियों को मौत की सजा सुनाई है। ढाका कैफे हमला मामले में बुधवार को आतंकवाद विरोधी बांग्लादेशी ट्रिब्यूनल के जस्टिस मोजीपुर रहमान ने 7 आतंकियों को मौत की सजा सुनाई। इस हमले में एक भारतीय लड़की सहित 20 लोग मारे गए थे। जिन लोगों को मौत की सजा दी गई है उनके नाम जहांगीर हुसैन उर्फ राजीव गांधी, रकीबुल हसैन रेगन, असलम हुसैन उर्फ रशीदुल इस्लाम उर्फ राज, अब्दुल सबूर खान उर्फ सोहिल महफूज, हादुर रहमान सागर, शरीफुल इस्लाम खादिल उर्फ खालिद और मामून रशीद विपिन है। 8 प्रतिवादियों ने 1 जुलाई 2016 को हुए विभत्त हमले में खुद को दोषी नहीं ठहराने का अनुरोध किया था। हमले के दौरान 5 सशस्त्र आतंकवादियों ने ढाका स्थित होले ऑटिसोन कैफे को 12 घंटे तक अपने कब्जे में ले लिया था और वहां स्थित दर्जनों लोगों को बंधक बनाने के साथ 9 इतावली और 7 जापानियों समेत 22 लोगों की हत्या कर दी थी। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने कहा था कि हमले के पीछे जिहादी समूह जमात उल मुहाजुनुद्दीन बांग्लादेश का हाथ है। अदालत ने 27 अक्टूबर को मामले में 113 गवाहों के बयान को दर्ज करने का काम पूरा किया था। जांच अधिकारी हुमायूं कपूर ने कहा कि मामले में 21 संदिग्धों में से 13 को अलग समय अलग-अलग छापों में मार गिराया है और बचे 8 आरोपी जेल में बंद हैं। मामले में शामिल मारे गए 13 आतंकवादियों में वे आतंकवादी भी शामिल हैं जिन्हें घटना के दौरान बंधकों को छुड़ाने के प्रयास में मार गिराया गया था। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।